हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सबको बोर्ड दिख रहा अच्छे से? यस, क्या बेटा? सो इन द मॉर्निंग वी हैव डन टिल maximum or optimum speed of a vehicle on the curved path. Now, write down the another question. What is banking of road? Banking. What is banking of road? What is banking of road? Question mark, question continue. What is angle of banking? Question continue. Why does it necessary? So there are three questions. What is banking of road? What is angle of banking? And why does it necessary? Have you heard about it? Banking of road, ऐसा कभी सुना आप लोगों ने? Banking of road क्या होता है? Any of you? Yes? Okay. Serious. What is banking of road? Say, this is your road surface, and this road is curved like this. ऐसे curved है बेटा, ऐसे curved है, ऐसे इस तरह से curved है. Yes. So ये हो जाएगा inner edge of the road. This becomes outer edge of the road. What I'm telling you, you ध्यान से सुनना बेटा. समझो ये road surface है, ऐसा vehicles आ रहे हैं. Curve is like this. I say curve. This is inner edge of the road. This is outer edge of the road. अगर समझो बेटा ऐसा curve road है. Curve road is like this. So this is inner edge. This is outer edge. If this one is the outer edge and this is the inner edge, then this outer edge is going to raised above the inner edge by certain angle like this. And this process is called banking of the road. I repeat, when outer edge of the road surface is raised above inner edge of the road surface, then it is called banking of the road. And angle by which it is raised, kya angle aap logon ne isko raise kiya hai, that angle is called banking of road, angle of banking. So this process, when outer edge of the curved road is raised above the inner edge, is called banking of road. And the angle by which outer edge is raised above the inner edge is called angle of banking. इन दो क्वेश्चंस का आंसर सबको समझ में आया बेटा. मैंने क्या बोला आप लोगों को कि बैंकिंग ऑफ रोड क्या है और एंगल ऑफ बैंकिंग क्या है. सो व्हाट इज बैंकिंग ऑफ द रोड? When outer edge of the road is raised above the inner edge of the road, it is called banking of the road. कितना एंगल हम लोगों ने आउटर एज को रेज किया है अबाउट द इनर एज, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग.
अभी तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई डज इट नेसेसरी। आपको याद होगा बेटा, आज सुबह ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा क्या करने का कोशिश करता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा हमारे व्हीकल को हमें सर्कुलर पार्ट से उठा के अवे फ्रॉम द सेंटर थ्रो करने का कोशिश करता है। इनफैक्ट फेंकता भी है। अगर हमारा स्पीड एक पर्टिकुलर स्पीड से ज्यादा हो गया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाता है, सेंट्रीपेटल फोर्स उतना ही रह जाता है और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें उठा के रोड के बाहर फेंक देता है। आज ही सुबह में हम लोगों ने डिस्कस किया है बेटा। यस यस और नो? अगर हम चाहते हैं कि कर्व रोड पे एक्सीडेंट्स नहीं हो, स्किडिंग नहीं होना चाहिए, तो हमें रोड को बैंक करना जरूरी है। उस रोड को बैंक करना जरूरी है। अगर किसी ने पूछा कि व्हाई डज इट नेसेसरी, तो आपको बोलना है बैंकिंग ऑफ रोड इज नेसेसरी टू अवॉइड स्किडिंग ऑन द कर्व्ड पाथ। स्किड होता है ना, स्किडिंग नहीं होना चाहिए बेटा। टू अवॉइड स्किडिंग बैंकिंग ऑफ रोड इज नेसेसरी। तो मैंने तीन क्वेश्चन आप लोगों से पूछा बेटा, बैंकिंग ऑफ रोड क्या है उसका आंसर मैंने दे दिया। क्या लिखा बेटा आंसर? उसका आंसर ऐसा होगा, व्हेन आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड अबाउट इनर एज ऑफ द रोड, देन इट इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ द रोड। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज एंगल ऑफ बैंकिंग? सो द एंगल बाय विच आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड अबाउट द इनर एज ऑफ द रोड, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग। एंड व्हाई डज इट नेसेसरी? इट इज नेसेसरी टू अवॉइड स्किडिंग ऑन द कर्व्ड पाथ। यस, सबको समझा बेटा? अभी बैंक करने की वजह से क्यों स्किडिंग नहीं होगा, ये हम लोग अभी थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे इसके आंसर्स लिखने के बाद। मैं डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर सिर्फ कर्व्ड पाथ है तो क्या होगा, अगर बैंक पाथ है तो उसकी वजह से क्या चेंजेस आ जाते हैं। ये दोनों चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़े समय के बाद। फिलहाल इन तीनों क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे सब लोग, राइट बेटा? किसी को डाउट है क्या यहाँ तक? एनी डाउट प्लीज आस्क। एनी डाउट अप टू दिस? ओके, सो राइट डाउन, राइट डाउन लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, व्हेन आउटर एज ऑफ अ कर्व्ड रोड, व्हेन आउटर एज ऑफ अ कर्व्ड रोड इज रेज्ड, व्हेन आउटर एज ऑफ अ कर्व्ड रोड इज रेज्ड अबव इनर एज ऑफ द कर्व्ड रोड, above inner edge of the road लिखो, above inner edge of the road, then it is called banking of road. I repeat, when outer edge of a curved road is raised above inner edge of the road, above inner edge of the road, then it is called banking of road, then it is called banking of road. अगला क्वेश्चन लिखो, एंगल ऑफ बैंकिंग क्या, उसका आंसर लिखेंगे सब लोग। The angle by which outer edge of the curved road, the angle by which outer edge of the curved road is raised. above inner edge of the road
is called banking of road, is called angular banking. I repeat, the angle by which outer edge of the curved road is raised above inner edge of the road is called angular banking. चलो लिखो थर्ड वाले का आंसर लिखो बेटा. Banking of road is necessary. To avoid skidding on the curved path. So बेटा ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में तीन चार बार आया हुआ है फॉर 3 marks. कि व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड, व्हाट इज एंगल ऑफ बैंकिंग एंड व्हाई डज इट नेसेसरी. सो मैंने यहाँ पे तीनों का आंसर आप लोगों को दे दिया है बेटा. मैंने तीनों का आंसर आप लोगों को लिख के दे दिया है कि बैंकिंग ऑफ रोड क्या है. व्हेन आउटर एज ऑफ द रोड इज रेस्ड अब इनर एज ऑफ द कर्व्ड रोड देन इट इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ द रोड. एंगल ऑफ बैंकिंग के लिए क्या बोला, द एंगल बाई विच आउटर एज ऑफ द कर्व्ड रोड इज रेस्ड अब इनर एज ऑफ द रोड इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग एंड बैंकिंग ऑफ रोड इज नेसेसरी टू अवॉइड स्केडिंग ऑन द कर्व्ड पाथ. यस एवरीवन, गॉट इट? यस ऑर नो? ओके, चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा. नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं. नेक्स्ट पार्ट मुझे आपको एक्सप्लेन करना है व्हाट हैपेंस व्हेन बैंकिंग इज नॉट डन ऑन द कर्व्ड पाथ एंड व्हाट विल हैपन व्हेन रोड इज बैंक्ड. जब तक हम लोगों ने रोड का बैंकिंग नहीं किया है तो क्या होगा, और बैंकिंग कर दिया तो क्या होगा, दोनों में क्या डिफरेंस है. Try to understand it, beta. See this. It is. Curved path. This is. Curved path. This is curved path like this. ये हमारा road surface. Vehicles are moving like this, huh? Vehicles are moving like this. And this point there is a vehicle which is moving. यहाँ पे vehicle move हो रहा है. Actually हमारे जो buses वगैरह रहते हैं आगे जाकर पीछे से देखेंगे तो बस कैसा डब्बा जैसा ही दिखता है ना बेटा पीछे से. तो समझो कि एक बस इस तरह से move हो रहा है, तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे, व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस व्हीकल. एक्चुअली इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, व्हीकल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उसी पॉइंट पे सारे फोर्सेस एक्ट होते हैं. सो व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी. सी दिस,
See, this is CG. CG means center of gravity. First force which is acting over here is mg. And second, normal reaction, which is always acting perpendicular to the surface. Yes? Third and fourth force is also acting over here. Third force, Polito, like this, towards the center. And fourth force is away from the center. So towards the center, which force is acting? Put up a message for a beta. Which force is acting towards the center? The thing. Which force is acting towards the center? Yes. Very nice. Ekdam sahi answer de rahe beta. Centripetal force. Centripetal force is acting over here. Centripetal force. And fourth force, which is acting away from the center, is which one, beta? Come on. Which force is acting away from the center? Very nice. Very nice, beta. Centrifugal force. Yes. Centrifugal force. Achha, ek aur chota sa point mujhe aap logo se puchna tha. Yahan pe centripetal force hame kaun provide karega? Which force will provide a required centripetal force over here? Come on. Which force? Yes. Aditya ne ekdam sahi answer diya beta. Jayesh ne bhi answer diya. Vikas. Sab log ekdam sahi answer de rahe beta. Frictional force. Yahan pe frictional force will provide required centripetal force. Fine. Now see this. यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? इन दिस केस व्हाट आई कैन से, सिंस नॉर्मल रिएक्शन बैलेंसेस वेट ऑफ द वेटर. Normal reaction, see, normal reaction weight ko balance kar raha beta. Aur jo centripetal force hai, centripetal force is provided by frictional force. Jo frictional force hai, it will provide सेंट्रीपेटल फोर्स. मीन्स हम ऐसा लिख सकते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स बोले तो एम बी स्क्वायर बाय आर, दैट इज इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, म्यू एम जी. तो एम बी स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू म्यू एम जी. ये है कर्व्ड पाथ पे. अगर इसका बैंकिंग होगा तो क्या होगा भाई? इसको एक बार पढ़ लो पहले जल्दी से. इसको पढ़ो, देखो कुछ डाउट है क्या. कम ऑन जल्दी पढ़ो. Yes, Padli, any doubt up to this? Any doubt? Okay. चलो हम सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं. इफ रोड इज बैंक देन व्हाट विल हैपन.
sin is bank path. What will happen to the bank path? See, this is curved path. This is inner edge of the road. This is outer edge of the road. Like this. Now, this is outer edge of the road, which will rest by certain angle. So this 90 degrees means this outer edge is raised above the inner edge. The road surface parallel to aisa tha. So this, it was like this. Now it becomes like this. Aisa ho gaya beta. Ye hamara road surface now. Again, this angle is called theta. That is angular banking. This process, when this outer edge is raised above the inner edge, is called banking of road. And this angle by which outer edge is raised is called angular banking. Now, what are the forces acting over here? Yahan pe kya kya forces act honge? Vehicle pe. See, on this CG, that is center of the gravity, what are the forces acting? First of all, its weight is acting vertically downwards, mg. Second, normal reaction, which is perpendicular to the road surface. Yes. And which is perpendicular to the surface of the vehicle. ये जो surface of the vehicle है, जो पहले सब ऐसा बोलते ना road surface का parallel था, अभी भी parallel है, but ऐसा tilt हो गया ना बेटा, road surface ऐसा tilt हो गया, तो उसका surface भी थोड़ा tilt हो जाएगा. But ये जो normal reaction है, initially it was like this. Try to understand बेटा. When road surface was like this, it was normal like this. When it is banked by certain angle, a normal shift हो गया कि नहीं, सर tilt हो गया कि नहीं, कितना angle tilt हो गया बेटा? और वैसे भी देखो, normal reaction, which is perpendicular to the surface of the vehicle, right now वो vertical भी नहीं है and horizontal भी नहीं है, वो कहीं बीच में आ गया बेटा. यहाँ पे vertical था, see this, यहाँ पे it was vertical. But road surface itself is tilted. Normal reaction is also get tilted. So now it is not vertical nor horizontal. Neither vertical nor horizontal. So क्या करना पड़ेगा? एक ही ऑप्शन है रिजोल्यूशन का. So we'll resolve it. We'll resolve it into two components. If this angle is theta, this angle is also theta. This angle is also theta. जानना है कैसे? See this. Normal ऐसा था,
road surface was plain like this. Now road is banked like this. So जितना एंगल यहाँ पे बैंक होगा ये भी उतना एंगल यहाँ पे टिल्ट हो जाएगा कि नहीं. That's why this angle and this angle are same. Now इस normal reaction को हम लोग दो part में resolve कर सकते हैं और हम लोग resolve कर दिया अभी तक. हम लोग इस normal reaction को दो part में resolve कर दिया है. क्यों कर दिया दो part में resolve? उसके पीछे का reason क्या अभी तक? उसके पीछे का reason ऐसा है कि ये तो ना vertical था ना horizontal था, इसलिए हम लोगों ने इसको दो part में resolve कर दिया. So the first part is this and second part is this. This is 90, this is 90. Theta ka this is adjacent side, it becomes n cos theta. This is opposite side, it becomes n sin theta. Any doubt up to this? Yes? Yes? किसी को कुछ डाउट है क्या? ओके ओके बेटा. सो यहां पे क्या पता चल रहा बोलो? What we can say? यहां पे वेट को कौन बैलेंस कर रहा? एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा की अगर एक्ट हो रहा है बेटा बोलो टूवर्ड्स द सेंटर. फ्रिक्शनल फोर्स ऑलरेडी यहाँ पे एक्ट हो रहा था टूवर्ड्स द सेंटर बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स हमें सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था. एट द सेम टाइम अब एन साइन थीटा भी एक्ट होने लग गया टूवर्ड्स द सेंटर. मतलब टूवर्ड्स द सेंटर दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, पहला सेंट्रीपेटल फोर्स सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स और दूसरा एन साइन थीटा. और ये दोनों ही मिलकर हमें क्या देंगे? सेंट्रीपेटल फोर्स. बिकॉज सेंट्रीपेटल फोर्स इज ऑल्सो एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर. हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे देखो, हम बोलेंगे फर्स्ट पॉइंट सिंस एन कॉस थीटा बैलेंसेस वेट ऑफ द व्हीकल and sine theta and frictional force both are providing centripetal force. That's why mv square by r equals to frictional force bole to mu mg plus n sin t. मतलब इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा बेटा? इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा? सिर्फ कर्व्ड पाथ है, उसका बैंकिंग नहीं हुआ तो सेंट्रीपेटल फोर्स सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स दे रहा है. बट यहां पे अगर रोड को बैंक कर दिया तो सेंट्रीपेटल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स प्लस एन साइन थीटा ये दोनों प्रोवाइड करेंगे रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स. तो बेनिफिट क्या हो गया बेटा बोलो? याद है आज सुबह मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया था? आज सुबह मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि सेंट्रीपेटल फोर्स हमेशा हमें सेंटर की तरफ होल्ड करके रखता है, सेंटर की तरफ बाउंड करके रखता है. वो नहीं चाहता है कि हमारा एक्सीडेंट हो. और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो हमेशा हमको उठा के बाहर फेंकने का कोशिश करता है. तो बेटा अगर हमारे बॉडी पे सेंट्रीपेटल फोर्स इंक्रीज हो रहा है इट मींस हम ज्यादा सेफ है. यस ओ नो If more centripetal force is acting on our body, means we are more safe. हम safe हो गए. And second,
अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे बेटा, अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो देखो राइट हैंड साइड यहाँ पे ज्यादा है, राइट हैंड साइड बढ़ गया बेटा, राइट हैंड साइड इज मोर, बट बीच में इक्वल साइन है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी बढ़ेगा, राइट हैंड साइड बढ़ेगा मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड इधर का इंक्रीज होगा, उसमें क्या इंक्रीज हो सकता है, मास और रेडियस तो कांस्टेंट रहेगा, मास ऑफ द व्हीकल विल नॉट चेंज, रेडियस ऑफ द कर्व पाथ विल नॉट चेंज। फिर एक ही चीज चेंज हो सकता है, वेलोसिटी। तो अगर बेटा राइट हैंड साइड बढ़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड बढ़ेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ने के लिए क्या हमारे पास, सिर्फ स्पीड, वेलोसिटी बढ़ सकता है बस। मीन्स अब दो चीजें हो गई बेटा, एक तो हम लोग कर्व पाथ पे सेफ हो गए बिकॉज ऑफ बैंकिंग, एंड वी कैन मूव विद द फास्टर स्पीड, और हम फास्ट स्पीड के साथ मूव भी हो सकते हैं। मेरा बात सबको समझ में आ रहा है बेटा, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, बैंकिंग से क्या फायदे सबको समझा, दो फायदे समझे बेटा बैंकिंग की वजह से। पहला, हम ज्यादा सेफ हो गए बिकॉज सेंटर की तरफ का सेंट्रीपेटल फोर्स ज्यादा हो गया हमारे बॉडी पे, एंड सेकेंड हम ज्यादा स्पीड के साथ मूव हो सकते हैं, दैट इज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड। इसका मैं एक लाइव एग्जांपल आप लोगों को दे सकता हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो पुणे या पुणे के आगे उनका गांव है या उनका पुणे जाना होता है, कौन कौन से लोग हैं जो पुणे जाते हैं बेटा, कम ऑन, प्रणीत, जयेश, ओके, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पुणे वगैरह जाते हैं। अच्छा बेटा, पुणे जाने के लिए कितना समय लगता है, हाउ मच टाइम इट टेक पुणे जाने के लिए हमारे फोर व्हीलर से, कितना समय लगता है बेटा, 5 hours, 2 hours, 2 hours तो थोड़ा कम बोल दिया बेटा, बट ठीक है चलेगा, 3 hours, विशाल बोल रहे हैं सर 3 hours, ठीक है सही बोल रहे बेटा, एक 3 से 4 घंटे लगते हैं, 3 से 4 घंटे लगते हैं। आपको पता है बेटा, वही पहले आज से जब वो एक्सप्रेस हाईवे नहीं बना था, वही पुणे जाने के लिए पहले 18 hours, 20 hours, कभी कभी तो 24 hours चले जाते थे, पुणे जाने के लिए 24 hours भी लगते थे बेटा बारिश वगैरह के टाइम पे। क्यों, हमें खंडाला के घाट से जाना पड़ता था बेटा, कैसा कहते हैं कि इंडिया में मोस्ट डेंजरस प्लेस में से खंडाला का घाट भी है, बहुत डेंजरस है, हमें बहुत ऐसा बोलते हैं ना, पतले पतले रोड और बहुत शार्प टर्न रहता है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वहां पे जो गाड़ियां हैं बहुत स्लो चलती हैं बेटा। अगर हम ऐसा बोलते हैं कि वो रेंगती हैं, तभी भी कुछ गलत नहीं होगा। यस, मैं वही तो बोल रहा हूं कि पहले बहुत ज्यादा समय लगता था क्योंकि रोड का बैंकिंग नहीं हुआ था, रोड बहुत नैरो थे, शार्प कर्व था, खाई था बेटा बाजू में, और बारिश के टाइम पे तो लिटरली उनको रेंग रेंग के चलना पड़ता था, और इसके लिए उनको ज्यादा समय लगता था ना, 15 hours, 16 hours, 18 hours, कभी कभी 24 hours भी लग जाते थे। बट आज हम लोग 2, 3 या 4 घंटे में क्यों पहुंच जाते हैं, क्योंकि बेटा अभी हम लोगों ने रोड का बैंकिंग करके बनाया हुआ है, सारे रोड को बैंक करके बनाया हुआ है, सो दैट हम उन रोड्स पे अब फास्टर भी मूव हो सकते हैं और सेफ भी है, दोनों भी चीजें बेटा, हम फास्ट भी मूव हो सकते हैं और हम सेफ भी हैं। वहां पे 140, 150 का स्पीड बोलो तो नॉर्मल स्पीड हो गया है, क्योंकि रोड को डिजाइन किया उस तरह से, बैंक करके उस तरह से डिजाइन किया, उस तरह से बनाया है, सो दैट इज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड। होप यू आर गेटिंग मी दिस, मेरी बात सबको समझ में आ रही बेटा, बैंकिंग से क्या फायदे होते हैं। यस, सबको क्लियर है पॉइंट, तो ये सब दोनों लिख लोगे एक बार जल्दी से, ओके जरा फटाफट लिख लो बेटा इसे। लिख रहा बोर्ड, राइट इट डाउन फास्ट। Thank you.
Done, everyone.
last 2 minutes. मुझे अभी किसी ने मैसेज किया कि सर, हाँ किसी ने वो डायग्राम के बारे में फिर से बोला है कि सर वो डायग्राम एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए, बैंक पाथ वाला। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अभी जो अगला डेरिवेशन है वो है मैक्सिमम और ऑप्टिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑन द बैंक्ड पाथ। पहला वाला कौन सा था सुबह में जो डेरिवेशन किया था बेटा, वो कौन सा था बोलो? मैक्सिमम और ऑप्टिमम स्पीड ऑन द कर्व्ड पाथ, कर्व्ड पाथ। और अभी हमको पढ़ना है बैंक्ड पाथ के लिए, जिस रोड का बैंकिंग हो गया है अभी हमको उसके लिए पढ़ना है। तो मॉर्निंग वाला था ऑन द कर्व्ड पाथ, और अभी हमको फिर से पढ़ना बैंक्ड पाथ। जब बैंकिंग कर दिया तब हमारा मैक्सिमम स्पीड क्या, उसके लिए हमको डेरिवेशन फाइंड आउट करना, और डेरिवेशन के लिए डायग्राम हमको फिर से ड्रॉ ही करना है। तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। अच्छा, किसी ने मेरे को ये भी पूछा कि सर ये साइन थीटा कॉस थीटा कैसे आया, वो नहीं समझ में आया। अरे बेटा, एक ट्रायंगल है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ये एडजेसेंट साइड है, ये अपोजिट साइड है, और ये हाइपोटेनियस है। ऑलवेज रिमेम्बर बेटा, थीटा का ये एडजेसेंट साइड, ये अपोजिट साइड, और ये हाइपोटेनियस। जो एडजेसेंट साइड होता है वो हाइपोटेनियस का कॉस कंपोनेंट होता है। हाइपोटेनियस क्या है? एंड। तो एडजेसेंट साइड क्या हो गया? एंड कॉस थीटा। अपोजिट साइड क्या है? एन साइन थीटा। बट अगर ए वाला एन साइन थीटा तो ए वाला भी लाइन एन साइन थीटा। क्यों? बिकॉज दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ऐसा एक दूसरे का पैरेलल है बेटा। ये हम लोगों ने पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में स्केलर्स एंड वेक्टर्स टॉपिक में, पैरेलल वेक्टर्स। यस, अभी समझा बेटा साइन थीटा कॉस थीटा कैसे आया? यस एवरीवन। सो दिस वे साइन थीटा कॉस थीटा हमको आ गया। हाँ, ये डायग्राम को एक बार मुझे फिर से एक्सप्लेन करना है, इस डायग्राम को मुझे फिर से एक बार एक्सप्लेन करना है। बहुत सिंपल है बेटा, ऐसा सोच के रखो कि इस पे क्या क्या फोर्सेस एक्ट होंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ बेटा, देखो पहले हमारा रोड ऐसा ऐसा प्लेन था, तो डाउनवर्ड्स फोर्स वेट, ऊपर का फोर्स नॉर्मल रिएक्शन, टुवर्ड्स द सेंटर सेंट्रीपेटल, अवे फ्रॉम द सेंटर सेंट्रीफ्यूगल। इट वॉज लाइक दिस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा बोलो? इन दिस केस यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये हमारा कर्व रोड था, आउटर एज इनर एज। तो आउटर एज को हम लोगों ने अब इनर एज ऐसा रेज कर दिया है बाई सर्टेन एंगल थीटा, जिसको एंगल ऑफ बैंकिंग बोलेंगे। अब यहाँ पे जो व्हीकल है, पहले जो ऐसा स्ट्रेट था अब वो ऐसा टिल्ट हो जाएगा। सो इस पोजीशन पे ये हमको यहाँ पे लिख लेना बेटा, इसको सीजी नाम पे लिख लेना, सीजी जहां पे सारे फोर्सेस एक्ट होता है, सी जी बोले तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे क्या क्या फोर्सेस एक्ट होंगे? तो फर्स्ट फोर्स एक्ट होगा उसका वेट, वेट विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, बट ये जो नॉर्मल रिएक्शन है पहले वर्टिकल था तो रिसॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, अभी ऐसा वर्टिकल भी नहीं यानी हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, दोनों कैसे बीच में आ गया, ऐसा बेटा टिल्ट हो गया है। इसके लिए मुझे उसको दो पार्ट में रिसॉल्व करना पड़ेगा, एक हो जाएगा एन कॉस थीटा, एक हो जाएगा एन साइन थीटा। ये कॉस थीटा इसलिए बिकॉज थीटा का एडजेसेंट साइड है, और ये साइन थीटा इसलिए क्योंकि अपोजिट साइड है। क्योंकि एन साइन थीटा इसके लिए भी एन साइन थीटा, जिसको हम बोलेंगे पैरेलल वेक्टर्स। होप यू आर गेटिंग मी दिस। मेरी बात अभी सबको समझ में आई बेटा? ये डायग्राम फिर से समझाए सबको? यस, जिसको डाउट था उसको समझा क्या?
ओके 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 चलो अभी हम लोग अगले डेरिवेशन पे आ जाते हैं। Yes, sinus. Expression for maximum speed of a vehicle on banked path. Expression for maximum speed of a vehicle on banked path. Yes, banked path पे maximum speed क्या होगा? तो ये डायग्राम तो अभी सबको क्लियर है कि नहीं? यस, डायग्राम अभी सबको क्लियर है ना बेटा? सो मुझे एक बात बता, अभी भी यहां पे एक फोर्स लेफ्ट है हमसे, अभी तक हम लोगों ने उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया, कोई बताएगा बेटा? कोई बताएगा यहाँ पे कौन सा ऐसा फोर्स है जिसको अभी तक हम लोगों ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है यहाँ पे, जो ऑलरेडी एक्ट हो रहा है बट हम लोगों अभी तक उसको इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं? फाइन, सेंट्रीफ्यूगल बोल रहे हैं, सेंट्रीपेटल भी बोल रहे हैं, हाँ वर्षा ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है, वर्षा ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। वर्षा बोल रही है कि सर फ्रिक्शनल फोर्स, एकदम सही बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स अभी तक हम लोगों ने इंट्रोड्यूस नहीं किया, क्योंकि बेटा जब कोई भी व्हीकल किधर भी मूव होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स तो एक्ट होगा ही ना। कोई मुझे बता सकता है फ्रिक्शनल फोर्स कहां पे एक्ट होता है? हमेशा याद रखो, सरफेस पैक होता है फ्रिक्शनल फोर्स, रोड सरफेस पैक होता है फ्रिक्शनल फोर्स, ऑलवेज फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द सरफेस। यस, सो बेटा फ्रिक्शनल फोर्स एक्चुअली रोड सरफेस पैक होना चाहिए, रोड सरफेस पैक होना चाहिए, बट हम लोगों ने सारे फोर्सेस को कहां रिप्रेजेंट किया बेटा, कहां पे शो किया है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो फ्रिक्शनल फोर्स को भी वहीं पे शो करना पड़ेगा, वहीं पे दिखाना पड़ेगा बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स को यहीं पे दिखाना पड़ेगा बेटा, यहां पे। तो देखो कैसे दिखाएंगे फ्रिक्शनल फोर्स को, एक्चुअली एक्ट होता है रोड सरफेस पे, पर सारे फोर्सेस को हम लोगों ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे रिप्रेजेंट किया है, इसके लिए हम उसको यहीं पे ड्रॉ करेंगे और इस रोड सरफेस का पैरेलल रखेंगे, पैरेलल मतलब मीनिंग सेम रह जाएगा बेटा, ये है फ्रिक्शनल फोर्स पे विच इज एक्टिंग पैरेलल टू द रोड सरफेस। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये भी ऐसा वर्टिकल भी नहीं है और ऐसा हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, दोनों के बीच में ऐसा क्रॉस है बेटा, तो क्या हमें उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं? हमें उसे रिजॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं? सीधी सी बात है बेटा, रिजॉल्व करना पड़ेगा, जो वर्टिकल होता है जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो दोनों के बीच में होगा उससे हमें रिजॉल्व करना ही पड़ेगा। यस, तो हम उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे बेटा? यहां से पब्लिक ड्रॉ करो हॉरिजॉन्टल पे और यहां से पब्लिक ड्रॉ करो वर्टिकल, ए बी नाइन ए वाला थीटा, तो ये वाला भी एंगल हो जाएगा थीटा, थीटा का एडजस्टेंट साइड है तो ये हो गया एफ कॉस थीटा, ये अपोजिट साइड है तो ये हो जाएगा एफ
साइन थीटा। अब जाके बेटा ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा कर्व्ड पाथ था जिसका हम लोगों ने बैंकिंग किया था, आई मीन उसके सरफेस को बाई थीटा एंगल रेज कर दिया था, आउटर रिज को अबाउट इंटर रिज। फिर जो हमारा व्हीकल है उसके ऊपर थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेट विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सेकेंड नॉर्मल रिएक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द रोड नॉर्मल रिएक्शन। Now it can be resolved into two components, n cos theta and sin theta. Why? Because this normal reaction is neither vertical nor horizontal, it is in between. So we have to resolve it into two components. Resolve can be given as n cos theta and sin theta. And the third force which is acting is frictional force. Actually, frictional force is always acting parallel to the road surface. But as we have shown, all the forces at the center of the gravity, this frictional force will be parallel to the road surface. Again, this is not vertical nor horizontal. So what to do? Again, we'll resolve it into two components. This is Fs cos theta, Fs sin theta. Yes or no? Yes? Now, in this case, सब थोड़ा यहाँ पे खिचड़ी जैसा हो गया है। So what we'll do is एक और डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। See this. See this. All forces which are acting over here, CG, that is center of gravity. All forces which are acting over here is center of gravity. Center of gravity pe, so pehla force act ho raha tha weight, mg. Dusra force tha normal reaction and which was not vertical nor horizontal, so usko do point mein resolve kar denge. N cos theta, N sin theta, and this is frictional force F, which can again resolve into two components. So two components, A ho gaya F sin theta. And this is F cos theta. Hope you are getting this. In sare forces ko yahan pe separate draw kar diya hum logon ne. So clear ho gaya? Weight downwards, normal reaction. Normal reaction is resolved into two components, N cos theta and sin theta. And this frictional force, which is again not neither vertical nor horizontal, again split up into two parts, Fs cos theta, Fs sin theta. So any doubt up to this? Yes, beta, any doubt? Come on. Any doubt up to this? Okay. Okay, beta. Okay. Now, come to the derivation point. यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा? M sin theta and F cos theta. Both are acting towards the center, but towards the center, which force is acting? Centripetal force is acting. Towards the center, centripetal force is acting. So that point से हमारा derivation start होगा. When से start करेंगे? तो क्या बोलेंगे? Since n sin theta and F cos theta both are acting towards the center of
सर्कुलर पाथ एंड प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड सेंट्रिपेटल फोर्स. Therefore, centripetal force mv square by r equals to क्या हो जाएगा बेटा राइट हैंड साइड में n sin theta and this is equation number one. Any doubt up to this? Hello? Any doubt? Here, what I have written, see these two forces, n sin theta, f cos theta, both are acting towards the center. As both are acting towards the center, दोनों मिलकर हमें क्या देंगे centripetal force. See this centripetal force, mv square by r equals to n sin theta and f cos theta. Now the second one is second. इस वर्टिकल को देखो वर्टिकल पोजीशन में ऊपर क्या एक्ट हो रहा है बेटा बोलो एन कॉस थीटा नीचे क्या एक्ट हो रहा है एफ साइन थीटा और एम जी. सोच के देखो बेटा अगर एन कॉस थीटा ज्यादा होता तो हमारा व्हीकल ऊपर लिफ्ट होना चाहिए था और एफ एस साइन थीटा मतलब एफ साइन थीटा और एम जी इन दोनों का वैल्यू ज्यादा होता तो हमारे व्हीकल को अंदर चले जाना चाहिए था. तो हमारा व्हीकल ना तो ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे जा रहा है. यहाँ पे बैलेंस्ड है, यहाँ पे बैलेंस्ड है. इसका क्या मतलब हो गया बेटा कि n sin theta, n cos theta, f sin theta और mg मतलब ये दोनों फोर्सेस इस फोर्स का इक्वल है. इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ए वर्टिकल इक्विलिब्रियम इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम डाउनवर्ड्स फोर्सेस क्या है एम जी एंड एफ साइन थीटा दैट इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स. अपवर्ड फोर्स क्या बेटा बोलो अपवर्ड फोर्सेस एंड कॉस थीटा. सो एम जी इक्वल्स टू एंड कॉस थीटा उधर जाके एफ साइन थीटा हो गया हमारा इक्वेशन नंबर टू. दिस इज इक्वेशन नंबर टू. नाउ हम क्या लिख सकते हैं डिवाइड इक्वेशन वन बाय इक्वेशन टू. डिवाइड इक्वेशन वन बाय इक्वेशन नंबर टू एम वी स्क्वायर बाय आर mg, mv square by r, mg. यहाँ पे क्या होगा बेटा बोलो n sin theta, f cos theta. ये क्या हो जाएगा n cos theta minus f sin theta. Yes, लिख सकते हैं यहाँ पे. अभी actually जगह नहीं है बेटा थोड़ा यहाँ पे. देखो हम लोग क्या करेंगे ये जो एफ है फ्रिक्शनल फोर्स है. फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू एन. पता है ना बेटा फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला म्यू एन. तो इस एफ की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा बोलो एफ की जगह पे म्यू एन. यस अब यहां से क्या होगा एन एन कॉमन एन एन कॉमन 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 कैंसिल. सो व्हाट आई लेफ्ट विद यहां पर भी देखो m और f कैंसल हो जाएगा. सो दिस इज v स्क्वायर बाय r g एंड n ऑलरेडी कॉमन हो गए. अब यहां पे क्या लिखने वाले यहां पे सिर्फ क्या बच गया साइन थीटा. दिस इज प्लस
यस कैन यू हियर मी? क्या हो गया, आवाज ही नहीं जा रही? अब मेरी आवाज आ रही है बेटा? ओके 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 ओके। तो सुनो बेटा, मैं फिर से बता रहा हूं, जरा सुनो यहां पे सब ध्यान से। व्हाट आई डिड इज एक्चुअली व्हाट आई डिड इज यस सुनो अभी, दिस वाज इन दोनों के बेस पे मैंने लिखा है, थोड़ा छोटा लिखा है, एग्रीड बेटा, जगह नहीं है ना, थोड़ा ये खत्म करना पड़ेगा, इतना स्पेस वी कैन यूटिलाइज, दैट्स व्हाई थोड़ा मैंने छोटा छोटा लिखा है। बट मैं आपको इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा, डोंट वरी, पूरा टॉपिक का पीडीएफ मैं भेज दूंगा। फिलहाल जरा समझने का कोशिश करो क्या है। सी ये है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एन साइन थीटा एफ कॉस थीटा बोथ आर एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, एज बोथ आर एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ए हमको सेंट्रीपेटल फोर्स दे देंगे, इसके लिए एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। एंड सेकेंडली अपवर्ड फोर्स कौन सा एक्ट हो रहा है, एन कॉस थीटा, डाउनवर्ड्स कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, एफ साइन थीटा एंड एम जी, दिस बोथ आर एक्टिंग डाउनवर्ड्स एंड एन कॉस थीटा इज एक्टिंग अपवर्ड्स, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके रखे, ऐसे बैलेंस करके रखे, तो यहाँ पे लिख दिया एम जी प्लस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू एन कॉस थीटा। तो ओनली एम जी को छोड़ो और एफ को साइन थीटा को दूसरे साइड लेके जाओ, माइनस एफ एस साइन थीटा, उसका रेशियो ले लेंगे बेटा। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, साइन बाई कॉस टैन हो जाएगा, कॉस और कॉस कैंसिल, सो व्हाट आई लेफ्ट ओवर हियर इज देयरफॉर वी स्क्वायर बाय आर जी इक्वल्स टू टैन थीटा प्लस म्यू कॉस कॉस कैंसिल वन माइनस म्यू टैन थीटा। तो वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, therefore b equals a, पहले तो आर जी डिनोमिनेटर में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर जी ब्रैकेट में दिस tan theta प्लस म्यू वन माइनस म्यू tan theta, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन दिस बैंक्ड पाथ, इस बैंक पाथ पे जो सबसे ज्यादा वेलोसिटी पॉसिबल है वो ए वाला वेलोसिटी पॉसिबल है, इससे फास्ट वेलोसिटी के साथ जाएंगे तो वहां से भी स्किड हो जाएगा हमारा व्हीकल, एक्सीडेंट विल टेक प्लेस। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑन द बैंक्ड पाथ। यस, अब यहाँ पे एक छोटा सा केस लिख सकते हैं, छोटा सा, कि देखो अभी बारिश वगैरह होता है, पूरा रोड गीला हो जाता है, वेट हो जाता है, तो ब्रेक्स वगैरह नहीं लगते, रीजन क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ा कम हो जाता है बेटा बिकॉज ऑफ वाटर। तो अगर ऐसा केस अगर आपको लिखना है, फ्रिक्शनल फोर्स इस निग्लिजिबल, फ्रिक्शनल फोर्स निग्लिजिबल है, ना के बराबर है, देन म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। अगर ये म्यू का वैल्यू जीरो तो ऊपर टेन थीटा बच गया, म्यू का वैल्यू जीरो, जीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग इज जीरो, वन माइनस जीरो इज वन, मींस व्हाट वी लेफ्ट विद, वी इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा, वी इक्वल्स टू आर जी टेन, ये हो गया बेटा हमारा फॉर्मूला। और हमारे पास तीन फॉर्मूले बेटा, तीन फॉर्मूले, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से। अगर सिर्फ कर्व्ड रोड है, उसका बैंकिंग नहीं हुआ है, ओनली कर्व्ड रोड, सो मैक्सिमम स्पीड इज वी इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू आर जी, जो सुबह में फाइंड आउट किया था। अगर बैंक्ड पाथ है तो बैंकिंग हो गया तो थोड़ी ना होगा, फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा, बैंकिंग और फ्रिक्शन दोनों है, तो हमारा कौन सा फार्मूला, ये ऊपर वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला, v इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी ब्रैकेट में टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा। और अगर समझ लो बेटा,
हमारा फ्रिक्शनल फोर्स नेग्लिजिबल है, सिर्फ बैंकिंग को काउंट कर रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स को काउंट ही नहीं कर रहे हैं, तब हमारा मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला ए है, v इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा। यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या? कम ऑन, एनीवन इज हैविंग एनी डाउट अप टू दिस? सो मैं चाहता हूं जरा इसको फटाफट लिख लो बेटा, अभी जस्ट राइट इट डाउन। राइट इट डाउन फर्स्ट। Come on, write it down.
बेटा ऐसा मैंने लिखा है, इफ फ्रिक्शनल फोर्स इज निग्लिजिबल, समझो बारिश वगैरह हो गया, रोड गीला हो गया, तो फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम हो जाता है, तो वही मैंने वहां पे लिखा है इफ फ्रिक्शनल फोर्स इज निग्लिजिबल, तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो, जो कोएफिशिएंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसका वैल्यू जीरो, तो आ जाएगा वी कॉस टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा। Thank you.
डन चलो बेटा बाय देन सी यू नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम हम लोग इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अभी यहाँ पे दो पार्ट्स रह गए, एक कॉनिकल पेंडुलम एंड वर्टिकल सर्कुलर पार्ट। अगर ये दोनों हम लोगों ने कर लिया तो फिर हमारा सर्कुलर पार्ट वाला पार्ट खत्म होके रोटेशनल डायनामिक्स का जो मेन पार्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय एवरीवन, थैंक यू।